Students, greeting to all. We are going to start this chapter. This is your sixth chapter, Making of a Scientist. So then we have completed some part of this and we are here now. In the seventh grade, okay, look at screen. In the seventh grade, एक बार मैं थोड़ा स्क्रीन को बड़ा कर देता हूँ ताकि ये देखने में ठीक रहे. अब देखिए. देन इन द सेवंथ ग्रेड ही गॉट अ हिंट ऑफ व्हाट रियल साइंस इज. जब वो सेवंथ ग्रेड में था तो ही गॉट द हिंट, उसको वहाँ पे एक हिंट मिला कि व्हाट द रियल साइंस इज, कि रियल साइंस क्या होती है. व्हेन ही एंटर द काउंटी साइंस फेयर, जब वो एक क्षेत्रीय वहाँ पे साइंस फेयर में गया एंड लॉस्ट और वहाँ पे फिर खो गया, मतलब इसके इंटरेस्ट में डूब गया. It was really a sad feeling to sit there and not get anything while everybody else had won something, Bright said. Bright ने कहा कि मुझे वहाँ पर ऐसा लगा, इट वॉज अ रियली सैड फीलिंग. वो कहता है कि मुझे वास्तव में ये ऐसा लगा कि बहुत सैड फीलिंग है कि जबकि दूसरे जो है लोग वहाँ पर क्या कर रहे हैं, वो कुछ ना कुछ जीत रहे हैं, प्राइज जीत रहे हैं और मैं वहाँ पर खाली बैठा हुआ हूँ. तो हिज एंट्री वो स्लाइट ऑफ द फ्रॉग टिश्यू, उसकी जो एंट्री थी वो क्या थी, स्लाइड थे, किसके, फ्रॉग टिश्यू के स्लाइड थे. तो विच ही सॉ अंडर अ माइक्रोस्कोप, जिसने वो एक माइक्रोस्कोप में उनको दिखाया. तो ही रियलाइज द विनर हैड ट्राई टू डू रियल एक्सपेरिमेंट, तो उसने रियलाइज किया कि जो विनर होती हैं उन्होंने कोशिश की है कि रियल एक्सपेरिमेंट को शो करने की. तो वो कोशिश करती हैं रियल एक्सपेरिमेंट की. तो नॉट सिंपल मेक अ नीट डिस्प्ले, ना कि केवल वो एक डिस्प्ले कर दे, बल्कि जो एक्सपेरिमेंट है उनको शो करने की, उनको दिखाने की वो पूरी कोशिश करते हैं रियल एक्सपेरिमेंट की, ना केवल जो है बाहरी दिखावे का दिखावा होना. ऑलरेडी द कॉम्पिटिटिव स्पिरिट दैट ड्राइव रिचर्ड ब्राइट वॉज अपीयरिंग, तो पहले ही जो कॉम्पिटिटिव जो स्पिरिट थी, उसकी जो फीलिंग थी स्पिरिट, दैट ड्राइव रिचर्ड ब्राइट वॉज अपीयरिंग, जो रिचर्ड ब्राइट वहाँ पे अपीयरिंग कर रहा है. वो कहता है कि आई न्यू दैट फॉर द नेक्स्ट ईयर्स फेयर, तो कहता है कि मैं जानता हूँ कि नेक्स्ट ईयर के फेयर के लिए आई वुड हैव टू डू अ रियल एक्सपेरिमेंट, कि मैं वहाँ पे रियल एक्सपेरिमेंट करूँगा. तो ही स्वेट, तो उसने ये बात कही कि मैं रियल एक्सपेरिमेंट करूँगा. द सब्जेक्ट आई न्यू द मोस्ट अबाउट वाज इंसेक्ट, व्हाट आई हैव बीन डूइंग इन द पास्ट सेवरल ईयर. तो जो सब्जेक्ट कहता है कि मैं जानता था कि जो इंसेक्ट के वर्क के ऊपर था, जो मैं पिछले कई सालों से जो है उसके ऊपर काम कर रहा था. तो आगे देखिए. ऑलरेडी द कंप्यूटर सेपरेट ड्राइव, ये यहाँ तक हो गया हमारा. अब नेक्स्ट करते हैं यहाँ से. सो ही रॉट टू डॉक्टर उर्कियाड फॉर आइडियाज एंड हिज वाइक केम बैक अ स्ट्रेक ऑफ द सजेशन फॉर एक्सपेरिमेंट. तो उसने डॉक्टर उर्कियाड को लिखा अपने आइडियाज़ के बारे में और उसका जो आंसर जो है कुछ सजेशन आया एक्सपेरिमेंट के लिए. दोज केप्ट ब्राइट बिजी ऑल थ्रू द हाई स्कूल एंड लेड टू द प्राइज प्रोजेक्ट इन द काउंटी एंड द इंटरनेशनल साइंस फेयर. तो जिस जो सजेशन उसको मिला था ब्राइट को, तो ब्राइट ने उस सजेशन को अपने जो हाई स्कूल में रखा और उसने कुछ काफ़ी प्रोजेक्ट, उसने प्रोजेक्ट पर काम किया और फिर इंटरनेशनल और जो है साइंस, जो काउंटी और इंटरनेशनल साइंस फेयर में अपने प्रोजेक्ट को रखा और फिर जो है उसने इनाम जीता. फॉर हिज एट ग्रेट प्रोजेक्ट में ब्राइट ट्राई टू फाइंड द कॉज ऑफ द वायलर डिजीज दैट किल द नियरली ऑल मोनार्क कैटरपिलर वरी एवरी फ्यू ईयर्स. तो फॉर द एट ग्रेड में ब्राइट ने कोशिश की फाइंड आउट करने की उन कोजेज़ को कि जो वायलर डिजीज़ के कोजेज होते हैं दैट किल द नियरली ऑल मोनार्क कैटरपिलर, जो सारे मोनार्क कैटरपिलर हैं जिनको मार देते हैं, ऐसा कौन सा रोग है उसको ढूंढने की उसने कोशिश की. एवरी फ्यू ईयर, जो मतलब कुछ वर्षों में ही जो कैटरपिलर को मार देते हैं, उनको ऐसा कौन सा रोग हो जाता है, तो उसको ढूंढने की उसने कोशिश की. ब्राइट थॉट द डिजीज माइट बी कैरिड बाई अ बीटल. तो ब्राइट ने यह सोचा कि जो डिजीज होता है वो एक बीटल के द्वारा आता है. शी ट्राइड रेजिंग द कैटरपिलर इन द प्रेजेंस ऑफ द बीटल. तो उसने कोशिश की कैटरपिलर को रेज करने की, उसको बढ़ने की, किसकी प्रेजेंस में, बीटल की प्रेजेंस में. आई डिडंट गेट एनी रियल रिजल्ट ही सेड, उसने कहा फिर भी मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला. बट आई वेंट आई डेंट सो दैट आई हैड ट्राइड द एक्सपेरिमेंट.
तो उसने दिखा कि मैंने कोशिश किया एक्सपेरिमेंट करने की, दिस टाइम आई वॉन, और फिर कहता कि इस वक्त जो है जब मैंने एक्सपेरिमेंट की कोशिश की और फिर मैं जीत गया। आगे देखिए, नेक्स्ट ईयर ही साइंस फेयर प्रोजेक्ट वॉज टेस्टिंग द थीरी दैट वॉइसरॉय बटरफ्लाई कॉपी मोनार्क। जो नेक्स्ट ईयर साइंस फेयर में प्रोजेक्ट में वॉज टेस्टिंग, वो टेस्टिंग कर रहा था थीरी की, दैट वॉइसरॉय बटरफ्लाई कॉपी मोनार्क की, जो वॉइसरॉय की जो बटरफ्लाई है वो मोनार्क की कॉपी करती है। और द थीरी वॉज दैट वॉइसरॉय लुक लाइक द मोनार्क, और जो ये थ्योरी ये बताती है कि वॉइसरॉय जो है वो बिल्कुल मोनार्क की तरह दिखाई देते हैं, बिकॉज मोनार्क डजंट टेस्ट गुड फॉर टू बर्ड्स, लाइक क्योंकि जो मोनार्क का जो टेस्ट होता है वो पक्षियों के लिए अच्छा नहीं होता। तो वॉइसरॉय ऑन द अदर हैंड टू टेस्ट गुड टू बर्ड, लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें कि जो टेस्ट होता है वॉइसरॉय जो है ऑन द अदर हैंड टू टेस्ट गुड फॉर बर्ड, वॉइसरॉय का टेस्ट पक्षियों के लिए अच्छा होता है, सो द मोर दे लुक लाइक मोनार्क, इसलिए वो ज़्यादातर क्या है मोनार्क की तरह दिखाई देती हैं, तो लेस लाइकली दे आर टू बिकम द बर्ड्स डिनर, और ये बहुत कम बात है कि वो बर्ड्स का जो है डिनर बनना कम पसंद करते हैं। आगे ब्राइट प्रोजेक्ट वॉज टू सी वेदर इनफैक्ट द बर्ड्स वुड ईट मोनार्क, तो ब्राइट का प्रोजेक्ट जो था वो ये देखना था कि क्या वास्तव में जो पक्षी होते हैं वो मोनार्क को खाते हैं। तो ही फाउंड दैट स्टार्टलिंग वॉज नॉट ईट ओर्डनली बर्ड फूड, तो उसने ये पाया कि स्टार्टलिंग वुड नॉट ईट द ओर्डनली बर्ड, कि जो ऑर्डनली बर्ड है उसको नहीं खाते, इट वुड ईट ऑल द मोनार्क इट कुड गेट, तो उसको जैसे ही मोनार्क मिलते हैं वो उसको खा लेते हैं। तो ब्राइट सेट लेटर रिसर्च बाय द अदर्स पीपल सॉ दैट द वॉइसरॉय प्रॉब्ली टू कॉपी द मोनार्क, तो ब्राइट ने बाद में ये बात रिसर्च में कहीं लोगों को कि दिखाया कि वॉइसरॉय जो है शायद जो कॉपी द मोनार्क, कि वॉइसरॉय शायद कॉपी करता है मोनार्क की। तो दिस प्रोजेक्ट वॉज प्लेस द फर्स्ट इन द जूलॉजी डिवीजन एंड द थर्ड ओवर ऑल इन द काउंटी साइंस फेयर, तो ये जो प्रोजेक्ट है ये रखा गया पहले जूलॉजी डिवीजन में और जो थर्ड है इसमें काउंटी साइंस फेयर में। तो बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।